sorry, it was a minor technical issue. Sorry for that. ठीक है? So let us continue. तो हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है? Rate of reaction पढ़ना, factors affecting rate of reaction, जिसमें पहला factor है concentration, temperature और catalyst. ठीक है? Concentration में जो most important आता वो आता order of reaction. क्या आता? Order of reaction. Order of the reaction में सबसे ज्यादा important क्या? First order reaction. ठीक है? Almost JE में every year. इसमें से पूछा 2009 टेम्परेचर पे 2009, 10, 12 और 15 में क्वेश्चन आ चुके हैं टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, तो ये हमारा है. और दूसरा उसके बाद पढ़ना है रेट लॉ एक्सप्रेशन. क्या पढ़ना है हमें? रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें पढ़ना है. रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है. नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी. ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है. नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है. बेसिकली ऑर्डर कोई भी क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है. आप कभी भी किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर थोड़ा बहुत आपको ऑर्गेनिक से एक थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बाकी डिटेल में तो खैर मेरा काम तो बताना, डोंट वरी अबाउट दैट. कोई भी चीज ऑर्डर क्या होता है बेटा, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है. आप किसी रिएक्शन का देख के आप डायरेक्टली ये डिसाइड नहीं कर सकते सर ये जीरो ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का. आप कभी भी नहीं डिसाइड कर सकते हो किसी भी चीज को देख के. आई बात समझ में? ठीक है. नेक्स्ट थिंग क्या आता है हमें? मेथड ऑफ मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. मॉनिटर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मेथड टू मॉनिटर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. मेथड ऑफ मॉनिटर ऑफ प्रोग्रेस टू रिएक्शन, ठीक है. ये जेई में 4-5 बार पूछ चुका है, इसके ऊपर भी जेई में 4-5 टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है. लास्ट बट नॉट लिस्ट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. क्या? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है. इसमें हम सीरीज पैरेलल रिएक्शन भी कवर करेंगे थोड़ा बहुत सब चीजें, ठीक है. तो ओवरऑल ये सब चीजें हमारे केमिकल कैंडिडेट्स में पढ़ना, और हर एक चीज बिलीव में बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से. किससे स्टार्ट करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन. अब मुझे एक बात आप ये बताइए, अगर आप सपोज करिए गाड़ी चला रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, तो आप अपना जो स्पीड बताते हैं या जो रेट बताते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं? या राइट, मतलब आपने ये देखा कि भैया इतना डिस्टेंस आपका चेंज हुआ, मतलब आपका डिस्टेंस चेंज बाय टाइम टेकन, वही आपके लिए क्या होता है? स्पीड होता है. या आपको मैंने बोला भैया कि सपोज कर आपके पास 3 महीना बचा हुआ है, तो आपके पास पूरा सिलेबस है, तो आपका क्या रेट होना चाहिए? तो आप ये डिसाइड करो भाई हर दिन मेरे को इतना इतना चैप्टर कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग मतलब वहां पे जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगा? चेंज मतलब भाई आप कितने टाइम से पढ़ पा रहे हो, एक दिन में कितना सिलेबस कवर कर पा रहे हो, ठीक है. तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट डिफाइन करने के लिए आपको टाइम के रिस्पेक्ट में ये देखना पड़ता है कि आखिर उसका कंसंट्रेशन क्या चेंज हुआ है. आई बात समझ में? आपको क्या देखना है? कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ है, ठीक है. तो नेट मैं डिफाइन कर देता हूं. रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फॉर केमिकल रिएक्शन चेंज इन क्वांटिटी इज कंसंट्रेशन ऑब्लिक प्रेशर, ठीक है. प्रेशर किस केस के लिए? गैसियस रिएक्शन के लिए तो आप कंसंट्रेशन नहीं यूज कर सकते, उसके लिए मोस्ट प्रिसाइजेबल आप प्रेशर ही यूज करो तो फार बेटर होता है. ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक
रिएक्टेंट ऑब्लिक प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। आई बात समझ में? याद है आपको, चीजें क्लियर होगी भैया। अगर सिंपल सा लिक्विड फॉर्म में तो आप कंसंट्रेशन लोगे, और हालांकि लेने में तो आप गैसेस को भी ले सकते हैं, डजंट इशू, बट मोस्ट प्रेशर हम प्रेशर को लेते हो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? तीन टाइप के रिएक्शन होता है। ठीक है, तीन टाइप के रिएक्शन कैसे? तो पहला होगा बहुत ज्यादा फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, दूसरा होगा मॉडरेट रिएक्शन, और तीसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब डालते ही रिएक्शन हो जाए, लाइक आयनिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो उनमें कोई भी चीज ऑब्जर्व करना नामुमकिन होती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, आयनिक रिएक्शन, ये सारे क्या होते हैं? वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेरी स्लो रिएक्शन की, तो एंजाइम रिएक्शन हुआ आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या होता है? बहुत ज्यादा स्लो है। अब इतना स्लो है कि आप वहां थोड़ी ना दो साल, अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मान लो जब नया गाड़ी खरीदते हैं, तो मान लो किसी उस चीज में, मान लो किसी 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 भी उस गाड़ी के पार्ट में जंग लगने में एटलीस्ट मैं तो ये मानता हूँ कि 3-4 साल तो लग जाता है। तो अब क्या 3-4 साल उस गाड़ी के पास आप बैठे रहोगे कि ऑब्जर्व करने के लिए भैया कितना टाइम लगेगा? तो प्रैक्टिकली जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ मॉडरेट रिएक्शन, जो ठीक है 2-3 घंटा ले रहा है, तो दैट्स फाइन, 1 घंटा ले रहा है, तो दैट इज मॉडरेट टाइम। ठीक है, या हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, वट एवर द टाइम टेकन, तो उस चीज को उस टाइप के रिएक्शन को हम क्लासीफाई करते हैं एज अ मॉडरेट रिएक्शन। और पूरे केमिकल काइनेटिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं वो मॉडरेट रिएक्शन के लिए ही सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको मैं लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ रेट वी कैन क्लासीफाई, ऑन द बेसिस ऑफ रेट वी कैन क्लासीफाई, ऑन द बेसिस ऑफ रेट वी कैन क्लासीफाई द रिएक्शन इनटू थ्री कैटेगरी, क्लासीफाई द रिएक्शन इनटू थ्री कैटेगरी। ठीक है, इनटू थ्री कैटेगरी। फर्स्ट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया था रिएक्शन, विच आर कंप्लीट विद इन रिएक्शन विच आर completed in fraction of time, reaction which are completed in fraction of time, reaction which are completed in fraction of time, या fraction of second, not time, fraction of seconds, fraction of seconds, उस type के reaction को क्या बोलेंगे? Very fast reactions बोलते हैं। ठीक है, example में इसका क्या हो जाएगा? आयनिक reaction हो जाएगा। ठीक है, आयनिक reaction हो जाएगा, nuclear reaction हो जाएगा, ओके और आपका प्रेसिपिटेस रिएक्शन भी बोल सकते हैं, पीपीटी रिएक्शंस भी आप कह सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है? वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में आप बोल सकते हो कि रिएक्शन विच रिक्वायर्स ईयर फॉर देयर कंप्लीशन, रिएक्शन विच रिक्वायर्स a year for their completion, for their completion, reaction which requires a year for their completion, so there is no practical importance, so there is no practical importance, so there is no practical importance to determine rate of such type of reaction. Example इसमें क्या हो जाएगा? इसमें enzyme reaction और rusting of iron, ये सारे के सारे मेरे क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन है, और जो प्रैक्टिकली इनका रेट निकालना तो नामुमकिन है, क्योंकि इतना कोई वेला नहीं बैठा कि भैया 2 साल तक एक जगह पे बैठा रहेगा और ये नोट डाउन करते रहे,
कि भैया आज आयरन का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, कल आयरन का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ये सजा ही हो गई कि मैं बोल दूंगा भैया आज इतने मार्क्स नहीं लाए, तो चलो आज तुम एक काम करो, इसका तुम ऑर्डर निकालो, तुम यहीं पे बैठ के इसका पूरा ऑर्डर निकालोगे, ठीक है। चलो कोई अभी फिलहाल तो कोई सजा नहीं दे पाऊंगा मैं तुमको, ठीक है। ऑफलाइन वाले तुम लोग बहुत ज्यादा खुश रहे हो रहे होंगे कि अब तो सर तुमको कुछ बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। बट आई होप सो वी विल मीट सून, मजाक कर रहा हूं, डोंट टेक सीरियसली, ठीक है। चलो क्वेश्चन ऑप्शन 3, मॉडरेट रिएक्शन की बात करते हैं। मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, मॉडरेशन जो सफिशिएंट टाइम है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी है, ठीक है। द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम, रिएक्शन व्हिच रिक्वायर्स finite time, reaction which requires finite time for their completion which can measure practically. Is that clear? तो उस टाइप के क्या होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। इनका बेस्ट एग्जांपल होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या होता है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आखिर देखो, अब ऐसा समझो बात को, एक स्विच चला गया ऐसे कोई, तो क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पाए क्या, क्या गया एक एकदम ऐसे जा रहा है तो भी भैया कोई फायदा नहीं है, एकदम एक टाइम लेके जा रहा है, तो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो भाई इसका कलर ब्लैक है, फेबर कैस्टल का मार्कर है, जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है, चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल होती है उनके बारे में रेट निकालने के लिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन जैसे बात करो मैं, N2+3H2 twice of NH3, ठीक है। देखो इसमें हालांकि आप बोलोगे सर ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल ही है, तो रिवर्सिबल में कैसे अप्लाई करना वो सब सिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका ट्रिपल बॉन्ड इसका सिंगल बॉन्ड टूट के क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा, राइट। कुछ इस तरीके से बनेगा आपका NH बॉन्ड। तो ऑब्वियस बात है, तीन बॉन्ड टूटने के लिए और एक बॉन्ड टूटने, एक मतलब तीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटने के लिए और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ये टूटेगा इसको बनने में भी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन का रेट निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, आखिर रेट निकाला कैसे जाता है, हाउ टू कैलकुलेट अ रेट, ये तो मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया भैया ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब किसी भी मॉडरेट रिएक्शन मैंने आपको दिया था, आप उसका रेट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पहले हम सीखते हैं कि आखिर रेट को दिखाया कैसे जाता है रिएक्शन में, ठीक है, या कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे लिखते हैं किसी रिएक्शन के लिए, ठीक है। जैसे सपोज कर मैंने एक कोई रिएक्शन ले लिया, डेमो रिएक्शन ले लिया A टेंड्स टू B, तो आप याद है केमिकल इक्वेशन में दो स्टेप होता था, t = 0 t = t, t = 0 पे मैं यहां पे क्या लिखता था, a नॉट लिखता था, तब ये 0 होता था और ये at मान लिया और यहां पे जो बना मेरा bt हो गया। आप at को क्या लिख सकते हो, at को a नॉट माइनस x भी लिख सकते हो, तो bt ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, x। तो आप ये फॉर्मेट में चलो या ऊपर वाले फॉर्मेट, दैट चॉइस इज योर्स, ठीक है। दोनों ही तरीका क्या होता है, सही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, इसको मैं और क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ ए, मतलब मैं इसको रेट ऑफ ए भी बोल सकता हूं, या मैं इसको बोल सकता हूं रेट ऑफ कंजम्पशन भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ कंजम्पशन भी बोल सकता हूं, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मैं दोनों चीजें बोल सकता था, ठीक है। मैं इन तीनों में से कुछ भी बोलूं इसका मतलब ही क्या, वो ए का रेट को डिफाइन कर रहा है, आखिर ए का रेट कितना है, ठीक है। तो अगर ये होता है माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी, तो ऑब्वियस बात है किसी का भी रेट डिफाइन कैसे करते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा मतलब क्या निकल रहा है, ये स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट आपको याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इस स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता था, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन स्पेशली कौन सा, मोलैरिटी, मतलब मोल्स n / t, मोल्स पर यूनिट, पर सॉरी मोल्स पर लीटर,
मोल्स पर लीटर मतलब मोलरिटी, यहां पे कंसंट्रेशन का मतलब ही हमारे लिए क्या होगा मोल मोलरिटी। तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा डी आपको क्या डिनोट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए या रेट ऑफ ये। अब ये बोलेगा माइनस क्यू सर, मतलब सर स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ऐसी बात हो गई सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ ब्रेक मार देता हूँ तो पीछे हो जाता हूँ, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। इस नेगेटिव का मतलब क्या है, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस वजह से हमने नेगेटिव लगाया। अब क्यों नहीं समझ में आता ऐसा समझो, क्या डेल्टा को मैं लिख सकता हूँ फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो मैं माइनस at माइनस ए नॉट बाय टी डी माइनस जीरो टी। at को क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट माइनस एक्स, मतलब लिख सकता हूँ ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट अपॉन टी। इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पुट किया, क्योंकि a नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, अगर यहाँ माइनस में नहीं लगाता तो मेरा रेट ऑफ a क्या आता था माइनस एक्स बाय टी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। किसी भी सब्सटेंस का रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने नेगेटिव पहले से पुट कर दिया ताकि मेरा ओवरऑल रेट हमेशा क्या है पॉजिटिव आए, कितना है पॉजिटिव x by t। तो यहां तक बात आपको समझ में। इस नेगेटिव का मतलब ये भी होता है कि अगर मैंने किसी का रेट नेगेटिव टर्म में एक्सप्रेस किया है, इसका मतलब वो रिएक्टेंट का रेट को एक्सप्रेस करता है। रिएक्टेंट का रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, रिएक्टेंट का रेट घट रहा है, इसलिए उसका रेट नेगेटिव भी हम दिखा सकते हैं। तो दोनों मीम का मतलब यही, इस नेगेटिव का मतलब ये कि हमारा ओवरऑल रेट क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन घट रहा है तो जो चेंज आएगा वो नेगेटिव में आएगा। उस चेंज को पॉजिटिव करने के लिए हम ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन अपने मन से क्या कर देते हैं डाल देते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई सबको? चलिए ठीक, नेक्स्ट में टॉपिक में हम बढ़ते हैं। Now, ठीक है, अगर मैं बात करूं ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए हुआ, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, बी की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी की बात करूं, क्या मैं इसको डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट यहां मैं प्लस में लिखूंगा, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं रेट ऑफ बी भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं रेट ऑफ बी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन भी हम बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो इस सब का मीनिंग है कि उसने पर्टिकुलरली बी के रेट की बात की, किसकी बात की, बी के रेट की। तो बी का रेट का क्या होगा, प्लस बी टी माइनस जीरो बाय टी, मतलब bt मेरा क्या है x माइनस जीरो बाय टी, तो दैट्स नथिंग बट x बाय टी, कितना है मेरा x बाय टी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ओवरऑल हम किसी के भी रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नो अब मैं यहाँ पे एक मैं इंपॉर्टेंट नोट बना देता हूँ, वो नेगेटिव वाला टर्म जो मैंने आपको समझाया था ना कि क्यों नेगेटिव लिखते हैं, वही मैं टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, rate cannot be negative, so for expression of reactant, so for expression of reactant, so for expression of reactant, so for expression of reactant minus sign will be minus sign will be there, minus sign will be there, minus sign will be there because for reactant final concentration, because for reactant final concentration is less than, final concentration is less than initial concentration, final concentration is less than initial कंसंट्रेशन। आई बात समझ में? अगर मान लो जैसे मैं बात करूं, मान लो किसी भी रेट का, मैं बोल दूं अगर रेट ऑफ सी कितना होगा,
मान लो सी टेंड्स टू डी जा रहा है मेरा, मैं बोल रहा रेट ऑफ सी कितना होगा, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं रेट ऑफ सी की, तो सी मेरा मान लो रिएक्टेंट है यहां पे, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं माइनस ऑफ डीसी बाय डीटी, और यार मैं बात करूं रेट ऑफ डी कितना होगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस ऑफ डीडी बाय डीटी। हालांकि दोनों का मतलब वही है, सी अगेन देखो यहां पे मैंने डेल्टा लिया बट सी की जगह ए था, यहां पे मैंने डेल्टा की जगह डी लिया, तो याद रखना डेल्टा जो होता है वो लार्ज चेंज के लिए लिया जाता है, किसके लिए लार्ज चेंज के लिए, और डी जो लिया जाता है वो स्मॉलर चेंज के लिए लिया जाता है, स्मॉलर चेंज के लिए लिया जाता है। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अगर आपने यहां तक क्लियर होगा, अगर मैं बहुत ही कम अमाउंट में चेंज करूं, मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में चेंज है तो आप डी यूज करोगे डेल्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट में चेंज है तो इसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई, आई होप सो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब एक बात मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर किसी भी रिएक्शन का रेट निकालना हो, आपको किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का रेट निकालना हो तो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने कहेगा तो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी। ये स्टेटमेंट मैं आपको लिख रहा हूँ बट आगे मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है, तो नोट बना के मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ ये पॉइंट, नोट बना के, नोट आपका क्या है, फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट will not be required, will not be required। आई बात समझ में? अब चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे इसी में कि आखिर यूनिट ऑफ रेट, इस रेट का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो रेट मुझे पता है, रेट मतलब क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो क्या चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज चाहे स्मॉल छोटा हो, बड़ा चेंज हो या ना के बराबर चेंज हो, कोई भी चेंज मुझे क्या देगा, मोल पर लीटर ही तो वैल्यू देगा, और इसको डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर पर टाइम, क्या होगा मेरा मोल पर लीटर टाइम पर टाइम, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या हो गई, टाइम मेरा सेकंड में भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है, डे में हो सकता है, वीक में हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, इवन दो टाइम मेरा ईयर में भी हो सकता है। तो मोल पर लीटर पर टाइम मेरा क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट होता है। ठीक है, लेकिन ये कब, जब मेरा कंसंट्रेशन है, अगर यही चीज मेरा प्रेशर में हो, मान लो रेट बराबर क्या होगा, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बाय टाइम, मतलब रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम पर यूनिट टाइम, तो ये मेरा गैसेस फॉर्म में हो जाएगी, एटीएम पर यूनिट टाइम मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, हालांकि वो आपको मैंने गैसेस स्टेट में सिखाया और भी है, बट ठीक है आपका रिविजन तौर पे हो जाएगा। ठीक है, आपका रिविजन तौर पे ये हो जाएगा कि मान लो जैसे मैं बोला कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर, हालांकि आप ये जानते हो बट स्टिल मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूं। मुझे पता है पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होगा, पीवी बराबर क्या होगा, एनआरटी, तो क्या पी को एन बाय वी लिख सकता हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपके लिए कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तो ये आपको दिख रहा है, That's nothing but P equal to क्या हो जाएगा मेरा CRT, तो concentration अब दिया हुआ है, तो pressure के term में भी आप उसको क्या कर सकते हो, use कर सकते हो। यहाँ पे R की value क्या होगी, 0.08, temperature तो always Kelvin में होगा, R की value 0.08 होगी, यहाँ तक चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपसे जो important topic, ये थोड़ा important है, थोड़ा ध्यान से समझिए बेटा, बहुत important topic है, relationship between rate of, between
रेट ऑफ डिफरेंट, रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट एंड। देखो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, अभी तक मैंने आपको सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में सिखाया कि आखिर आप रेट ऑफ सी को कैसे लिख सकते हो, आखिर आप रेट ऑफ डी को कैसे लिख सकते हो, और अगर आपने लिखा भी पर्टिकुलर स्पीसीज का रेट लिखा तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, वैल्यू कैसे निकाल भाई, उसका कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, इसका कंसंट्रेशन ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, ये जनरली हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल से 2a tends to 3b, 2a tends to आपको कितना दिया हुआ है 3b, ठीक है। आपको इसमें मैं सिखा रहा हूं कि आपको पहले रेट ऑफ a कैसे लिखना है, रेट ऑफ b कैसे लिखना है, आखिर इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ये सब चीजें अब हम यहां सीखेंगे, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लेट t equal to 0 और t equal to 3, ये दो स्टेप तो हर रिएक्शन में कॉमन मैंने बताया। t equal to 0 में मैंने a0 पकड़ा इसको, तब ये 0 था, यहां से मेरा a नॉट माइनस 2x निकलेगा, तो यहां पे बनेगा कितना 3x, तो ये हमने केमिकल के लिए पहले से सीखा हुआ था, ठीक है। हालांकि अगर नहीं समझ में आता ऐसा सम, अगर जैसे हर उस रिएक्शन में भी इसमें से x मोल डिसोसिएट होगा, मतलब यहां पे 2 मोल है तो 2x डिसोसिएट होगा, यहां पे 3 रेशियो में 2:3 के रेशियो में तो 2x डिसोसिएट होगा तो 3x फॉर्म होगा। आई बात समझ में आता, तो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ a की, किसकी बात करूं, रेट ऑफ a की बात करूं रेट ऑफ ए का मतलब सिर्फ आपको ए का रेट बताना है, सिर्फ आपको रेट ऑफ ए का मतलब सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बताना है विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब रेट ऑफ ए क्या होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ डीए बाय डीटी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैं, क्योंकि यहां पे भी मैंने आपको सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी डीसी बाय डीटी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डीडी बाय डीटी, ये सिंबॉलिक फॉर्म है इसका भैया, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस डी ऑफ डीटी, तो ये मेरा माइनस ऑफ डीए बाय डीटी की वैल्यू है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आई, तो क्या मैं डीएक्स बाय डीटी को लिख सकता हूं माइनस वन बाई टू डी ए बाय डी टी, क्योंकि ये वैल्यू इसी के बराबर है, तो यहां पे टू रिवर्स में आ जाएगा, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हुआ माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी। अगेन अगर मैं रेट ऑफ बी की बात करता हूं, किसके बात कर, रेट ऑफ बी की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं अगेन क्या लिख सकता हूं, प्लस ऑफ डी बी बाय डी टी। इस नोट का मतलब अब मैं आपको यहां समझाऊंगा, ठीक है, इस नोट का मतलब मैं आपको यहां समझाऊंगा, तो डी बी बाय डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस d by dt, यहाँ पे क्या होगा 3x minus 0, initial final 3x था, last 0, तो ये क्या 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 again dx by dt, तो again यहाँ पे dx by dt की वैल्यू आपको कितनी मिली, 1 plus 1 by 3 dp by dt, क्या मिली plus 1 by 3 dp by dt, ये आपको मिला। अब ये दोनों वैल्यू क्या है, ये x dx by dt आखिर रिप्रेजेंट कर रहा क्या, अरे यदि तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रहा है। आप देखो अगर x 0 होता तो क्या रिएक्शन स्टार्ट होता, नहीं स्टार्ट होता। अगर x इनफाइनाइट हो गया तो ये इसका मतलब x की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, a0 के बराबर हो गया, अगर सच समझो अगर x 0 है मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, अगर x की वैल्यू a0 by 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्टेंट 0 हो चुका है और प्रोडक्ट पूरा कंफर्म हो चुका है। तो x क्या डिफाइन कर रहा है, x आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन r o r को लिख सकता हूं dx by dt, तो जो कि किसके बराबर होगा -1/2 dA by dt is equal to 1/3 plus 1/3 dB by dt। ये लाइन आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाया,
कि अगर ds by dt कितना बराबर होगा minus 1 by da by dt plus 1, मतलब rate of reaction of A उसको divide कर दो उसके coefficient से और rate of reaction of B उसको define कर दो उसके coefficient से। अब मैंने आपको यहाँ पे क्यों बोला था अब इसका मतलब समझो। देखो अगर मुझे सिर्फ rate of A निकालना होता मैं direct da by dt लिखता उसका changing concentration निकालता direct मुझे value मिलती थी right। अगर मैं सिर्फ बोलता rate of B क्या इतना होगा तो मैं direct db by dt लिखता था और ये वैल्यू निकालता। लेकिन अगर मैंने बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तब आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि किस स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। और जब तक आपको ये पता नहीं होगा यू कैन नॉट डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने आपको समझाया था कभी पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए आपको मैंने से बोला रेट ऑफ ए क्या होगा तो आप डायरेक्ट डीए बाय डीटी लिख के डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि आप इससे सबट्रैक्ट करोगे टाइम आपको दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसके लिए आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, रिएक्शन तो पता होना चाहिए साथ ही साथ उसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि ये तो मुझे पता ही नहीं। आपको मैंने हमेशा समझाया है कि स्टोइकोमेट्रिक जो होता है वो आपके हाथ में होता है। भैया मैं बोलूं ये मैं इसको मैं 2:3 नहीं मैं बोल रहा हूँ मैं इसको 4:6 लूंगा क्या ये रिएक्शन तब गलत है क्या? सही है, हो सकता है A हमेशा प्रोड्यूस B ही करता है लेकिन स्टोइकोमेट्रिक मेरे हाथ में होता है। तो जब तक स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया ना जाए ठीक है तब तक आप रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ भले आप ये बोल सकते हो सिर्फ A का रेट निकालना पॉसिबल है सिर्फ B का रेट निकालना पॉसिबल इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं रेट ऑफ ए मेरा हो जाए 2, रेट ऑफ ए मेरा कितना हो जाए 2, तो क्या मेरा रेट ऑफ बी किसके बराबर 3 मोल्स हो जाएंगे क्योंकि 2 और 2 कैंसिल तो db / dt किसके बराबर होगा db / dt मेरा क्या हो जाएगा 3। तो समझ में भी आ रहा जब इसका 2 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका 3 मोल बन रहा है तो वो दिख भी रहा आपको इस इक्वेशन से कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए 1/2 is equal to 1/3 times of rate of production of B। इसका मतलब भी यही होता है। तो आपको ये पॉइंट आपको आई होप सो समझ में आया होगा ठीक है। तो एक और हम करते हैं क्वेश्चन ठीक है ताकि आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ठीक है। कुछ नहीं करना रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना रेट ऑफ A और रेट ऑफ B के बराबर कर दो। अगर उसका स्टोइकोमेट्रिक है उसके से उसको क्या कर दो डिवाइड कर दो। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है। अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन देता हूं सपोज करो एक क्वेश्चन है 2a + 3b 2a plus, चल 5b द नॉट 3b 2a + 5b टेंड्स टू गिव आपको 6c कितना 6c दिया हुआ ठीक है। तो t equal to 0 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा a naught और b naught ठीक है। लेट्स से a naught और b naught और t equal to 2 में a naught minus 2x हो जाएगा b naught minus 3x हो जाएगा और ये 6x फॉर्म होगा ठीक है। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ a तो सिंपल सा आप क्या बोलोगे minus da by dt क्या मैं इसको डायरेक्टली लिखूं a naught minus 2x minus a naught तो a naught a naught कैंसिल हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं 2 dx by dt क्या मैं ऐसा फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ या ना क्योंकि ये वैल्यू देखो इसे तरीके से आएगी dx 2 dx by dt इसे तरीके से आएगी ठीक है। रेट ऑफ बी की बात करूँ मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ रेट ऑफ बी मेरे लिए क्या हो जाएगा minus db by dt और इनटू 3 dx by dt लिख दूंगा मैं इसको। और अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ सी तो रेट ऑफ सी आप क्या लिख सकते हो +dc/dt। देखो प्लस माइनस सिंपल से माइनस रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और प्लस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो ये कितना हो जाएगा 6 dx/dt। और आपको भी मैं बता dx/dt नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरे इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx/dt। तो ये इसका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -1/2 da/dt is equal to -1/5 sorry ये 5 होगा ना my mistake यहाँ पर ये 5 होगा 5 dx/dt 5 db/dt is equal to +1/6 dc by
डी टी, आपको समझ में प्लस वन बाई सिक्स डी सी बाय डी टी, आई बात समझ में। तो इस तरीके से मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन मैं फिर से रिपीट कर, या तो आप इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलिए स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन तो भी कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए अगेन आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने बोला पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए रेट डिफाइन करने के लिए आपको उसका स्टोइकोमेट्री की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इन जनरल, क्या इन जनरल मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए सपोज करो अल्फा ए प्लस बीटा बी टेंस टू गामा सी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है माइनस वन बाय अल्फा डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय बीटा डी बी बाय डी टी और प्लस वन बाय गामा डी सी बाय डी टी। यहां तक पॉइंट आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका पर्टिकुलर स्पीसीज से रेट डिफाइन करने के लिए आपको उसका स्टोइकोमेट्री की जरूरत पड़ती है, वह स्टोइकोमेट्री आपको डिवाइड कर देना, बस इतना सही करना है आपको। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको आप और फॉर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अब आप कर लोगे इस टाइप की चीजें। ठीक है, राइट एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, राइट rate of reaction for the following, for the following, ठीक है, पहला है आपका H2O2, twice of H2O2 tends to give twice of H2O plus O2, ठीक है, और यह कितना होगा प्लस डी ऑफ सीएल टू बाय
डीटी, ये कितना हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/1/2, तो अगेन ये कितना हो जाएगा -2 डी ऑफ ए बाय डीटी इज इक्वल टू 3 -3 डी ऑफ डीबी बाय डीटी और इज इक्वल टू +5 डीसी बाय डीटी, डीसी बाय डीटी। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, यहां तक आया होगा तो आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आखिर रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन कैसे लिखे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इन चीजों को कैसे लिखा जाता है। बस रेट ऑफ रिएक्शन करिए, जिसका निकालना है उसका, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस लिखिए उसका स्टोइकोमेट्रिक डिवाइड करिए, प्रोडक्ट है तो प्लस लिखिए उसका स्टोइकोमेट्रिक डिवाइड करिए, दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। चलो ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल, लेकिन आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ पहले वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ही आप वीडियो सॉल्यूशन पे जाइएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है ट्वाइस ऑफ ए, क्वेश्चन आपका ट्वाइस ऑफ ए प्लस 3b टेंस टू 5c। मान लो कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 10 मोलर विच चेंजेस टू 5 मोलर इन 20 सेकेंड, ठीक है, कैलकुलेट, ठीक है। इस क्वेश्चन में और आपको क्लियर हो जाएंगे थोड़ी बहुत चीजें। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, सेकेंड क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड आपको बोला है वैल्यू ऑफ माइनस डीबी बाय डीटी और डीसी बाय डीटी, आपको इसकी क्या करनी है, वैल्यू बतानी है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 2a प्लस 3b टेंस टू 5c है, t इक्वल टू 0 पे देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a इज 10 मोलर, b का पता नहीं तो मुझे कोई मतलब भी नहीं है। जैसे 20 सेकंड्स के बाद कितने में हो गया, 5 मोलर चेंज हो गया, कितना हो गया 5 मोलर चेंजेस हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइनस da बाय dt, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ a, इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको स्टोइकोमेट्री यूज नहीं करना है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए का मतलब है कि सिर्फ माइनस डीए बाय डीटी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा है, माइनस डीए बाय डीटी, तो यहां पे कोई स्टोइकोमेट्री का यूज नहीं है मेरा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। देखो मैंने क्या बोला, स्टोइकोमेट्री का जरूरत नहीं, आपको चेंज पता है, चेंज कितना हो रहा है -5 -10 कितने डिवाइडेड बाय 20, तो कितना हो जाएगा 5/20, तो दैट्स नथिंग बट 1/4, ये माइनस डीए बाय डीटी की वैल्यू। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 dA by dt -1/3 dB by dt और +1/5 dC by dt, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो dA by dt की वैल्यू को, तो दैट्स नथिंग बट 1/8, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। फर्क समझ में आया, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्री, तो वो मैंने यूज किया, रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने बराबर कर दिया -1/2 dA by dt, dA by dt की वैल्यू 1/4 है ना, आसान, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ये हुआ मेरा। अगर हम बात करूं भैया dB by dt की वैल्यू कितनी होगी, dB by dt की वैल्यू हो जाएगी -1/3 है तो ये 1/4 है, dA by dt मतलब सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन मेरा कितना है 1/4 और ये इसके बराबर है, मतलब 1/3 के बराबर है 1/8, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन मेरा 1/8 है और ये इससे बराबर कर दीजिए तो दैट्स नथिंग बट 3/8 आ जाएगा, ठीक है। अगेन 1/8 मेरा रेट ऑफ रिएक्शन और ये कितने बराबर है 1/5 dC by dt, ठीक है, तो अगेन dC by dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dC by dt की वैल्यू हो जाएगी 5/8। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया होगा आप सब, तो ये बहुत आसान टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, क्वेश्चन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2, फ्रॉम N2 and H2, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ N2 is 1.5 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड. कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन. देखो, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चों ने इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल दिया होगा. ठीक है, कोई बात नहीं. आपको अगर यहाँ पे जो दिया हुआ वैल्यू किसके दी हुई, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2, मतलब डी ऑफ N2 बाय dt की वैल्यू उसने कितनी दी है, 1.5 × 10⁻³. ठीक है, मतलब N2 प्लस 3H2 ट्वाइस ऑफ N3. ठीक है, तो इसका मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन जो बराबर होगा माइनस डी ऑफ N2 बाय dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी ऑफ H2 बाय dt और इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी ऑफ NS3 by dt. ऐसा होगा, कंजम्पशन उसने 1.5 दिया, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन दिया होगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन अगेन क्या आता होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन अगेन मेरा अगेन कितना होगा, 1.5 × 10⁻³ होगा. यही होगा रेट ऑफ द रिएक्शन. जिस बच्चे ने आंसर निकाला है इसका मतलब उसका आंसर गलत है. क्यों गलत है बेटा, मैंने रिएक्शन दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन, मैंने सिर्फ सिंपल सा आपको इतना सा बोला है कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 दिया है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है. अब क्यों गलत है समझे बात को, मैं बोल रहा हूं ये रिएक्शन तो आप अपने मन से बना लिए, मैं बोल रहा हूं ये रिएक्शन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं 2N2 प्लस 6H2 2N2 plus 6H2 टेंस टू 4NH3. मैं मान लो मैं ऐसा रिएक्शन ले रहा हूं, क्या ये रिएक्शन गलत है, नहीं है, बिल्कुल सही है रिएक्शन. अगेन रेट ऑफ रिएक्शन मेरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, माइनस 1/2 डी ऑफ N2 बाय डीटी इज इक्वल टू माइनस 1/6 डी ऑफ H2 बाय डीटी और प्लस 1/4 डी ऑफ NS3 बाय डीटी. ऐसा मेरा केमिकल रिएक्शन होगा, ऐसा मेरा इक्वेशन भी बनेगा. ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन देखो, अगर सेम रिएक्शन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कितना देखो, 1/2 × 1.5 × 10⁻³. सीधे रेट ऑफ रिएक्शन मेरा हाफ हो गया. इसका मतलब क्या, जब तक रिएक्शन उससे ना दी जाए, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है. यहां तो केमिकल रिएक्शन मैंने दिया ही नहीं, ये तो आपने अपने मन से मान के कैलकुलेट कर दिया. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जब तक रेट ऑफ रिएक्शन ना दिया जाएगा, मतलब आई मीन टू से जब तक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना दिया जाए, तब तक आप रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हमें क्या रखनी है, इस चैप्टर में याद रखनी है, ताकि हमें क्या, हमें छोटी छोटी गलतियां ना हो हमसे. ठीक है, और हम अच्छे मार्क्स लेके, मान के चलो बेटा ये क्वेश्चन, इसमें से एक से दो क्वेश्चन फिक्स रहते, सोच लीजिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है, चलो एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं फॉर योर काइंड. ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कोई चीजें. ठीक है, एक लेंथी क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन, फॉर अ गैसियस फेज, फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन ट्वाइस ऑफ ए गैस टेंस टू गिव थ्राइस ऑफ बी गैस. ठीक है, टेम्परेचर मान लो दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे कुछ रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, प्रेशर ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 2 ATM टू 1.5 ATM, 2 ATM टू 1.5 ATM, 2 ATM टू 1.5 ATM इन 10 सेकेंड
कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट आपको कैलकुलेट क्या क्या करना पड़ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इन एटीएम पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इन मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी इन द सेम टाइम इंटरवल, इन द सेम टाइम इंटरवल, ठीक है। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है देखो, ठीक है, लेकिन उसको मैंने प्रेशर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ ए गैस मेरा कन्वर्ट हो रहा है थ्राइस ऑफ बी गैस में, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 अगेन लिखूंगा, t इक्वल टू आप कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 10 सेकंड में चेंज हो रहा, ठीक है। इनिशियली कितना था मेरा 2 atm था, चेंज हो गया 1.5 atm, ठीक है। कोई ये कह दिया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ a मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ a जो मेरा हो जाएगा माइनस dA बाय सॉरी d, अब pA लिखूंगा, dPA बाय dt लिखूंगा। कितना का चेंज हुआ, 2 से 1.5 मतलब कितना का चेंज हुआ, 0.5 का चेंज हुआ, कितने के लिए, 10 सेकंड के लिए, मतलब 0.05 atm पर सेकंड। ये पहला क्वेश्चन खत्म मेरा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा, अब एक काम करता हूं मैं, ठीक है, मुझे पता है p बराबर क्या होता है, crt होता है प्रेशर कंसंट्रेशन का, तो डेल्टा p बराबर भी क्या होगा, डेल्टा crt होगा। तो इसका मतलब डेल्टा c जो बराबर होगा डेल्टा p बाय rt, डेल्टा p का चेंज कितना होगा 0.05, R की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर कितना होगा 300, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 5/24 into 10^-2 ये डेल्टा C आएगा। ये कितना आ जाएगा मेरा डेल्टा, क्या 0.08 की जगह 1/12 ले लेता हूँ मैं, हाँ चलो ऐसा कर लेता हूँ मैं, चलो इसको फोर और कैलकुलेशन आसान करने के लिए, इसको 0.05 लिया, डेल्टा पी तो मेरा है ही 0.05, 1/12 ले लेता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ 300, ठीक है। तो मेरा ये जो हो जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा 12 और 60 मतलब 0.6 डिवाइडेड बाय 300, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 10^-3 मोल लीटर आएगी, कितना आएगी 10^-3 मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर आएगा, ठीक है। और अगेन मुझे पता है तो यही जेम मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन माइनर मिस्टेक होगा, ठीक है। तीसरे केस की बात कर रहा हूं, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी कितना जगह मुझे पता है 1/2 रेट ऑफ ए किसके बराबर होगा 1/3 रेट ऑफ बी मतलब प्लस dPA / dPD, तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा into 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा into r, रेट ऑफ ए कितना है मेरा 0.05 इज इक्वल टू क्या होगा रेट ऑफ बी हो जाएगा। तो दैट्स समथिंग जो भी होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप से यहां तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी चीजें फिर हम नेक्स्ट क्लास करते हैं, बट प्लीज एक बार फिर बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, छोटे-छोटे कांसेप्ट आपको लगा होगा आज मैंने बहुत बेसिक कांसेप्ट कवर किए, बट बिलीव मी यही बेसिक कांसेप्ट आगे जाके आपको मेजर कांसेप्ट बनेंगे जो हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस या एम्स लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। बट बहुत ध्यान से इनको समझिएगा, प्लीज ये कैलकुलेट करके मुझे WhatsApp पे मैसेज